जहां उन्नाव जिले का प्रशासन एक तरफ ग्राम समाज की जमीन को मुक्त करा रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्राम समाज की तालाब की जमीन पर 525 व 542 पर तहसील सफीपुर के अंतर्गत ग्राम सभा पतौली में कई वर्षों से भू माफिया का कब्जा, लेकिन दावे तो बार बार पर मुक्त कराने में न जाने क्यों प्रशासन अपने हाथ पीछे खींच लेता है। जहां उन्नाव जिला प्रशासन ने कल फिर ग्राम समाज की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। जेएन शुक्ला के साथ शादाब अली की रिपोर्ट। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू की है। मंगलवार को कोतवाली के ग्राम मंगतखेड़ा में एसडीएम व सीओ ने राजस्व टीम के साथ ग्राम समाज की भूमि पर हुआ कब्जा जेसीबी से हटवाया। इसके अलावा एक मकान चक रोड स्थित हुए कब्जे को जेसीबी से खाली कराया। तहसील क्षेत्र में भू माफिया द्वारा कब्जा की गई भूमि को खाली कराने में प्रशासन लगा है। एसडीएम राजेश चौरसिया ने ग्राम मंगतखेड़ा में ग्राम समाज जीएस पर अवैध रूप से काबिज कब्जेदारों को पूर्व में नोटिस जारी हुई थी। कोई जवाब न मिलने की सूरत पर मंगलवार को एसडीएम ने सीओएमपी शर्मा और राजस्व टीम को साथ लेकर कब्जा दहा दिया। मंगतखेड़ा बैगांव मार्ग पर अवैध रूप से काबिज आनंद स्वरूप की टीन शेड और मनोहर सिंह द्वारा सीढ़ी निर्माण कन्हैया लाल के इज्जत घर को जेसीबी से तोड़ दिया। मंगतखेड़ा कौंथा मार्ग पर चक रोड पर अवैध रूप से बने श्रीपाल के मकान को जेसीबी से दहा दिया। इसी क्रम में ग्राम समाज की भूमि पर गेहूं की फसल लगाने वाले राम सनेही की फसल को नीलाम करने का फरमान सुनाया। पूर्वा उन्नाव मार्ग पर हुए कब्जे को भी हटाया। यह भूमि पुलिस चौकी मंगतखेड़ा के लिए प्रस्तावित निकली। कार्यवाही के दौरान कोतवाल के एन पांडे, राजस्व निरीक्षक अभिनव और बचोले, लेखपाल अनिल, दिनेश योगेश, विक्रांत चंदन सहित पुलिस फोर्स मौजूद रहा।